वहीं प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की ही। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने की भी शपथ ग्रहण की। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के सदस्यों ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लिया। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी के कार्यकर्ताओं ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर उन्हें याद करते हुए कहा कि राजीव गांधी ने देश के 18 वर्ष के हर युवा को मत का अधिकार दिलाया था और देश में सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का विकास करने के लिए पहल की थी। आज के मुख्य विषय चार हैं। यहाँ पर विस्थापन की समस्या खड़ी हो गई है। कीरतपुर से मनाली जो 4 लेन बन रही है, उससे हवाई अड्डे के निर्माण से और आने वाले समय में बिलासपुर से ले जो रेलवे लाइन आएगी, और इसी तरह बहुत जल्दी पठानकोट से मंडी भी 4 लेन का निर्माण शुरू होने वाला है। तो कुल जोड़ के मेरा आंकलन है कि 20-21 हज़ार लोग विस्थापित होंगे। उनकी मांग है कि हमारे पास आमदनी का कोई साधन है नहीं। जैसे बल की मैं उदाहरण देता हूँ, बहुत उपजाऊ ज़मीन है, 1 बीघा टमाटर लगाते हैं तो एक ही फसल में 1.5 लाख 2 लाख रुपया कमाते हैं। अगर आप उनको 1 बीघा का 1 लाख या 2 लाख रुपया कंपेंसेशन देने की बात सोचते हैं तो उनके साथ बहुत भारी अन्याय होने वाला है। मैं पौंग डैम ऑस्टिस के लिए लड़ता आया हूँ, विधायक होते हुए जिले भुगत आया हूँ। आज 50 साल पौंग डैम को बने हुए हो गए हैं, 60 साल भाखड़ा डैम को हो गए हैं, लेकिन आज भी वहाँ से उजड़े हुए लोग परेशान हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि भारत सरकार ने जो 2013 का एक्ट दिया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन का, उसको अक्षरशः लागू करें और मार्केट रेट से कम 4 गुना कीमत विस्थापित होने वाले लोगों को दी जाए। इसके साथ साथ दूसरी मांग है जो हिमाचल सरकार गंभीरता से ले, केवल कंपेंसेशन देने से लोगों की ज़िंदगी नहीं सुधरेगी, इनको हिमाचल प्रदेश में ही उचित स्थान पर एग्रीकल्चर लैंड भी दी जाए, जैसे मुरब्बे भाखड़ा ऑस्टिस को दिए गए हैं, पौंग डैम ऑस्टिस को दिए गए हैं, और अन्य सुविधाएं भी इन लोगों को दी जाएं। इसके साथ साथ हवाई अड्डे का एक बहुत बड़ा सपना दिखाया है आदि मुख्यमंत्री जी ने भी, 2 साल हो गए हैं, और आदि प्रधानमंत्री जी ने 14 में दिखाया था कि मैं उस दिन भारत को खुशहाल मानूंगा जिस दिन मैं एक रबड़ की वी शेप चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की सैर करेगा। तो मैं समझता हूँ ये स्थिति पैदा करने के लिए तो आपको हवाई यात्रा का प्रबंध करना है, हवाई अड्डे बनाने हैं, हवाई अड्डे बनाने हैं तो लोगों का विस्थापन का कंपनसेशन देना होगा, तो सारे काम करने हैं। तो आज मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ आपके मंडी शहर से, और मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूँ, अगर ये सपना धरातल पर उतारना है तो 50-50% की जो आज रेशो आई है पार्टनरशिप के अंदर, हिमाचल की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि ये पैसा दे पाए। 500 करोड़ रुपया तो बल के लोगों को कंपनसेशन का ही देना होगा, 10 हज़ार करोड़ रुपया इतने ड्रीम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए देना होगा। सरकार 10 हज़ार क्या, 500 करोड़ रुपया सरकार पेंशन नहीं दे पा रही है, वेतन नहीं दे पा रही है, कर्जे मांगती जा रही है। तो इसलिए मेरा सुझाव है, मैं अभी लाहौल से आया हूँ और लाहौल के अंदर देख के आया हूँ, लाहौल और चीन के बॉर्डर पर एक स्थान पर 10 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 6 गांव उजड़ने की बात आ गई है, तो ऐसी स्थिति में चीन का भयंकर खतरा बना हुआ है। तो मेरी प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से अपील है, रक्षा विशेषज्ञों का और वरिष्ठ सैनिक अधिकारियों का दल जल्दी भेजें सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चीन भयंकर खतरा लिए बैठा हुआ है अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसको भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर सामरिक दृष्टि से आर्मी का बेस कैंप बनाना होगा, एयरफोर्स का बेस कैंप बनाना होगा, तो उचित स्थान पर ये बनाएं और ये रक्षा मंत्रालय करे। रक्षा मंत्रालय के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार दे, प्रधानमंत्री दें, और इसका 90% यूज़ देश की सुरक्षा के लिए हो, लेकिन 10% यूज़ हिमाचल सरकार के लिए दे दिया जाए, उसका अधिकार टूरिज्म की दृष्टि से हमारी समृद्धि के लिए भी, क्योंकि हमारी धरती पर होगा तो हमें दे देंगे। तो मैं समझता हूँ इतना लाखों टूरिस्ट आएगा
कि हमारे हजारों हजारों नहीं लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी से मिल सकता है, यही मांग मैं यहाँ पर करने आया हूँ।